स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में पोर्ट से ट्रेडिंग का ग्लोरियस इतिहास जुड़ा रहा है। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में अलग अलग सी रूट्स के जरिए दुनिया भर के ट्रेडर्स आते जाते रहे हैं और इन ट्रेड को इजिली एग्जीक्यूट करने का काम इन पोर्ट के द्वारा ही किया जाता रहा है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री 3rd millennium BCE से भी पुरानी है। इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से होती है, जब इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया जैसी पैरेलल सिविलाइजेशन के साथ मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे। गुजरात में मौजूद लोथल इन सी रूट ट्रेड का मेजर हब हुआ करता था। मिडिवल पीरियड्स में भी सी रूट से होने वाले ट्रेड अपने चरम पर हुआ करते थे और इंडिया में सूरत जैसे मेजर पोर्ट्स ट्रेडिंग हब के रूप में डेवलप हुए। इन पोर्ट्स ने हमारी कॉमोडिटीज़ को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर मशहूर होने का अवसर प्रदान किया। वहीं पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस का ये ट्रेंड आज के मॉडर्न एरा में भी जारी है। आज भी हमारा 90% फॉरेन ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही होता है। दरअसल जब गुड्स और दूसरे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो सी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा चीप होता है। यही वजह है कि इंडिया के कोस्टल रीजन में भी पोर्ट्स का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश तीन ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। वहीं इंडिया के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कोस्ट लाइन मौजूद है। ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी और गोवा। इन सभी स्टेट्स में छोटे और बड़े पोर्ट्स मौजूद हैं जहां से मैरीटाइम ट्रेड होता है। मौजूदा वक्त में इंडिया में 13 मेजर सी पोर्ट्स और करीब 200 स्मॉल एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स मौजूद हैं। मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एडमिनिस्टर करती है, जबकि माइनर पोर्ट्स की देखरेख उन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में है जहां ये पोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम ब्रीफली इंडिया के उन इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के क्रूशल रोल को डिस्कस करेंगे जिन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर हो रही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को मुमकिन बनाया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स की। दोस्तों, अगर हम इंडियन मैप पर नज़र डालें तो वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे ऊपर की ओर लोकेटेड है कांडला पोर्ट, इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेकर आया है SIP, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19th of December इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AGLIVE कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 rupees के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कांडला पोर्ट इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गल्फ ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है। दरअसल इंडिपेंडेंस के पहले कराची पोर्ट इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया, लिहाजा इंडिया ने उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर कांडला पोर्ट का निर्माण किया। इस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1950s में शुरू किया गया था। वहीं 29th of March 1955 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांडला पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था। पहले ये पोर्ट बॉम्बे स्टेट में था, लेकिन 1st of May 1960 को बॉम्बे का डिवीजन हुआ और दो नए स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात वजूद में आए, जिसके बाद कांडला पोर्ट गुजरात में चला गया। इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत 2017 में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। ये भी कार्गो कंटेनर हैंडलिंग के मामले में इंडिया का इम्पोर्टेंट पोर्ट है। दरअसल इस पोर्ट को महाराष्ट्र में लोकेटेड मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कांडला पोर्ट से 127 million tons कार्गो की हैंडलिंग हुई थी। इस पोर्ट से पेट्रोलियम, केमिकल्स और आयरन जैसी चीज़ों का मेजर इम्पोर्ट होता है, जबकि ग्रेन, सॉल्ट एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है।
दोस्तों मुंबई पोर्ट नेचुरली इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है और 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पोर्ट वेस्ट मुंबई में सिचुएटेड है। इसके ईस्ट एंड नॉर्थ में कोंकण का मेनलैंड और वेस्ट में मुंबई सिटी है, जबकि इसके साउथ में अरेबियन सी है। मुंबई पोर्ट को फ्रंट बे यानी गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट में 3 डॉक्स हैं, प्रिंसेस डॉक्स, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। इंडिया में फॉरेन ट्रेड का करीब 1/5 मुंबई पोर्ट से ही हैंडल होता है। मुंबई पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट है। ये इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड अफेयर्स को इन्हांस करने में वाइटल रोल प्ले करता है। मुंबई पोर्ट से मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्विड केमिकल्स और मिनरल ऑयल्स इम्पोर्ट होते हैं। वहीं यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, टोबैको, मैंगनीज, मशीनरी और केमिकल गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई पोर्ट कार्गो हैंडलिंग, स्टोर एंड डिलीवरी के लिए इंटीग्रेटेड सी पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ये पोर्ट 126 किलोमीटर के रोड नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। वहीं पोर्ट का अपना रेलवे सिस्टम है जो ब्रॉड गेज मेन लाइन के थ्रू सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे से कनेक्टेड है। मुंबई पोर्ट के अलावा महाराष्ट्र में एक और मेजर पोर्ट है। ये पोर्ट मुंबई से सटे नवी मुंबई में मौजूद है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसे नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। नहावा शेवा नाम उन दो विलेजेस से लिया गया है जहां ये पोर्ट लोकेटेड है। 26th ऑफ मई 1989 को कंस्ट्रक्टेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मुंबई पोर्ट से ट्रैफिक प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेनली यहां से कार्गो शिप्स मूव करते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ये देश के करीब 56% कंटेनर्स को हैंडल करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वर्ल्ड के टॉप 30 सी पोर्ट्स में शामिल है और लास्ट 5 ईयर्स में इसके ट्रैफिक में स्टेडी राइज देखने को मिला है। यही वजह है कि इसे अरेबियन सी का किंग पोर्ट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से टेक्सटाइल, मीट, कारपेट, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल जैसी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंडियन रेलवेज द्वारा बनाया गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी पोर्ट पर मौजूद है। मोर्मुगांव पोर्ट गोवा में मौजूद है और ये जुआरी रिवर के पास सिचुएटेड है। ये पोर्ट अरेबियन सी के किनारे बना हुआ है। मोर्मुगांव पोर्ट इंडिया के ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से एक है। 1885 में ये नेचुरल हार्बर के तौर पर शुरू हुआ था। वहीं 29th ऑफ दिसंबर 1961 को गोवा के इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में इसे इंडिया का मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। मेजरली यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा कॉटन, मैंगनीज और कोकोनट्स की हैंडलिंग भी इसी पोर्ट से होती है। वहीं आज ये पोर्ट गोवा के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के मैंगलोर में मौजूद है और ये गुरुपुरा रिवर और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। इसे पनम्बूर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट पोर्ट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 4th ऑफ मई 1974 को इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया था। ये डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट से ग्रेनाइट, स्टोन, कैशियो, मैगनीज और कॉफी एक्सपोर्ट होता है और LPG, टिम्बर, कार्गो, कंटेनर्स और दूसरी कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। कोची पोर्ट, जिसे कोचिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये विलिंगडन और वल्लापर्दम आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है। केरला में मौजूद ये पोर्ट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स में से एक है और ये ऑल वेदर पोर्ट है। 1928 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ शिप बिल्डिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन के सी रूट पर सिचुएटेड है। कोची पोर्ट पर एंकरेज डेप्थ नियरली 14 मीटर और कार्गो डेप्थ 9 मीटर से ज्यादा है। इस वजह से यहाँ 500 फीट लेंथ की शिप की होस्टिंग पॉसिबल है। कोची पोर्ट से मेनली कॉफी, टी, स्पाइसेस, सॉल्ट, फर्टिलाइजर्स और मिनरल ऑयल का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन पोर्ट्स की जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पर सिचुएटेड हैं। इन पोर्ट्स में सबसे पहला नाम है वेस्ट बंगाल में बने कोलकाता पोर्ट का। कोलकाता पोर्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये पोर्ट वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में हुगली रिवर के बैंक पर बना हुआ है, जो कि बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कोलकाता पोर्ट देश का सबसे पुराना पोर्ट है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था और कॉलोनियल पीरियड के दौरान इसने ट्रेड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस पोर्ट पर ट्विन डॉक सिस्टम है, जिसमें हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और कोलकाता डॉक सिस्टम है।
हल्दिया डॉक हुगली रिवर के वेस्ट बैंक पर सिचुएटेड है, वहीं कोलकाता डॉक हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर सिचुएटेड है। कोलकाता पोर्ट पर 500 फीट की लंबाई तक के शिप को इजिली रखा जा सकता है। इस पोर्ट से जूट प्रोडक्ट्स, टी, कोल, स्टील, आयरन ओर, कॉपर और लेदर का एक्सपोर्ट होता है, जबकि मशीनरी, क्रूड ऑयल, पेपर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। मेनली यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड होता है। इस पोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में मौजूद है। ये कोलकाता के साउथ में 210 नॉटिकल माइल्स और विशाखापट्टनम के नॉर्थ में 260 नॉटिकल माइल्स पर लोकेटेड है। वहीं ये पोर्ट कटक से 100 किलोमीटर ईस्ट में सिचुएटेड है। पारादीप पोर्ट महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। 3 जनवरी 1962 को इस पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। पहले ये उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन 1 जून 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1966 को इसे इंडिया का 8th मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया। पारादीप पोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ईस्ट कोस्ट पर बना फर्स्ट मेजर पोर्ट है। इसमें डिफरेंट टाइप के कार्गो के लिए 16 जेटीज हैं। यहाँ कोल, आयरन ओर और दूसरे ड्राई कार्गो की हैंडलिंग होती है। जापान को यहाँ से वास्ट क्वांटिटीज में आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पोर्ट पर एक कोल हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और नेशनल हाईवे है, जिसे रेस्ट ऑफ द कंट्री से रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे वाइजैक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कार्गो हैंडलिंग के वॉल्यूम के लिहाज से ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट है। इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स में ये पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट बे ऑफ बंगाल में चेन्नई और कोलकाता पोर्ट के बीच सिचुएटेड है। इस पोर्ट के 3 प्रिंसिपल हार्बर्स हैं, आउटर डॉक, इनर हार्बर और फिशिंग हार्बर। विशाखापट्टनम एंशियंट टाइम से ही पोर्ट सिटी रहा है और इसके मिडल ईस्ट और रोम के साथ ट्रेड लिंक्स थे। विशाखापट्टनम पोर्ट को 19th दिसंबर 1933 में कमर्शियल नेविगेशन के लिए ओपन किया गया था। लॉर्ड विलिंगडन ने इसे इनॉग्रेट किया था। वहीं मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत इसे एज अ मेजर पोर्ट नोटिफाई किया गया था। विशाखापट्टनम पोर्ट से आयरन ओर, रॉ मटेरियल, अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड का मैकेनिकल हैंडलिंग होती है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में सिचुएटेड है। पहले ये मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये मुंबई के नहावा शेवा के बाद इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जबकि बे ऑफ बंगाल का ये लार्जेस्ट पोर्ट है। इसके अलावा इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स में ये 3rd ओल्डेस्ट पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट पर ऑफिशियल ऑपरेशन 1881 में शुरू हुए थे। हालांकि अनडेवलप्ड कोस्ट पर मैरीटाइम ट्रेड 1639 से ही शुरू हो चुका था। इस पोर्ट से ऑटोमोबाइल्स, आयरन ओर, कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स जैसी चीजों का ट्रेड होता है। चेन्नई पोर्ट रोड एंड रेलवे लिंक से वेल कनेक्टेड है। कामराजर पोर्ट भी तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। ये चेन्नई पोर्ट से 24 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है। पहले इस पोर्ट को इनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये पोर्ट पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसका 67% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कामराजर पोर्ट से लार्ज स्केल में कोल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा आयरन ओर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी ट्रेड यहीं से किया जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये देश का 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है और तमिलनाडु का 2nd लार्जेस्ट पोर्ट। 2011 में इसका नाम फ्रीडम फाइटर वीओ चिदंबरम पिल्लई के नाम पर रखा गया। 11th जुलाई 1974 को इसे मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। तूतीकोरिन पोर्ट स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इस पोर्ट को मेनली श्रीलंका के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पोर्ट से कोल, ऑयल, शुगर, सॉल्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। तूतीकोरिन पोर्ट रेलवेज और रोड से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल में पर्ल फिशरी के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए अंत में उस इम्पोर्टेंट पोर्ट की बात करते हैं जो इंडियन मेनलैंड से बाहर मौजूद है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान एंड निकोबार के साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अंडमान सी में लोकेटेड ये पोर्ट इंडिया के मेजर पोर्ट में से एक है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट इस पोर्ट को ऑपरेट करता है। 1 जून 2010 को पोर्ट ब्लेयर को इंडिया के 13th मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच कनेक्शन पॉइंट है। इस पोर्ट पर 500 मीटर से ज्यादा लेंथ की शिप कंफर्टेबली अकोमोडेट हो जाती है।
हालांकि अभी तक ये पोर्ट अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से इस पोर्ट को साउथ ईस्टर्न एशिया में होने वाले ट्रेड के लिए की कार्गो होल्ड डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के मेजर पोर्ट्स का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज हाउ इंडिया इज रीबिल्डिंग इट्स मैरिटाइम इकोनॉमी, हाउ पोर्ट्स विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।